Hello. Welcome to my tent room. Aye and aye. Она так посмотрела, в голову без прицела. वेलकम टू माई चैनल नॉलेज 360 फॉर यू. हम आज गए हैं चैल से तकरीबन 14 किलोमीटर आगे कांडाघाट में, जो एक साधुपुल नाम की जगह है, वहाँ पर आए हुए हैं. और आप नज़ारा मेरे पीछे देख सकते हैं, नज़ारा इंटू 100 है. ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है. पीछे हमारे एक वाटर पार्क भी है, लेकिन वो कोविड की वजह से अभी बंद पड़ा हुआ है. उसमें अभी सारा कुछ सूखा पड़ा हुआ है. लेकिन आपको बता दूँ कि अभी हम तकरीबन जो है ज़मीन से काफ़ी ऊपर सीढ़ियों से चढ़ते हुए आए हैं. और ये देखिए, ये रास्ता है जिससे हम आए हैं. राइट में आप देख सकते हैं सीढ़ी जो है नीचे जो चली जा रही है. तो काफ़ी ऊंचाई पे हैं हम लोग, और अभी हम जाएंगे नदी के किनारे, अगर जाने को मिलेगा तो. और एक बहुत ही ज़बरदस्त सरप्राइज़ है इस पर्टिकुलर वीडियो में, जिसके लिए बने रहिए और इस वीडियो को एंजॉय कीजिए. साधु पुल के नीचे अभी हम लोग खड़े हुए हैं, और पानी के बिल्कुल बीचों बीच हम लोग खड़े हैं. आप देख सकते हैं ये पानी उधर पहाड़ों से होते हुए आ रहा है. पानी बहुत ठंडा है और उधर जा रहा है. बेहतरीन नज़ारा है. और अगर मैं बताऊँ कांडाघाट जो जगह, जिस जगह पे हम लोग हैं, उस जगह की पॉपुलेशन के बारे में बताऊँ तो 1218 लोगों की पॉपुलेशन है. मतलब इंडिया जैसे कंट्री में कोई ऐसी जगह भी है भाई जहाँ 1218 लोगों की सिर्फ पॉपुलेशन है? मतलब पूरे कांडाघाट डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं, अगर डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट में 1218 लोगों की पॉपुलेशन है. तो मतलब इंटू 100 हो रहा है. मतलब आप चारों तरफ देख सकते हैं, ज़बरदस्त नज़ारा है. और अगर मैं अपने इधर दिखाऊँ तो पेड़ के ऊपर जो सूरज की रोशनी गिर रही है, और वो जो रंग निकल के आ रहा है, वो मतलब कि अल्टीमेट है. मतलब अल्टीमेट बोला था, अल्टीमेट. और हाँ, सरप्राइज़ के लिए आप तैयार रहिएगा, क्योंकि आज हमारे पास है कुछ आपको दिखाने के लिए, जो आपको अमेज करेगा, सरप्राइज करेगा और मज़ा इनटू 200 कराएगा. साधुपुल से अभी हमने एग्जिट किया है, निकले हैं साधुपुल से. और इसका एक और लोकेशन है साधुपुल का जाने का, अब हम लोग उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें कि वो लोकेशन किधर से है और कैसे वहाँ पर हम लोग जा सकते हैं. तो लगे रहिए, जमे रहिए और देखते हैं क्या लोकेशन है. वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ साधुपुल. ये साधुपुल का दूसरा हिस्सा है. हम जो गए थे वो थोड़ा सा कह सकते हैं उतना वहाँ पर बनावट वगैरह नहीं थी, बस कच्चा रास्ता था, उसमें से घुस के हम लोग पहुँच गए थे. लेकिन ये प्रॉपरली आप देख सकते हैं, ये प्रॉपरली पूरा मेंटेन्ड है. टेंट वेंट लगा हुआ है, आपको पानी में उतरने के लिए भी जगह दी गई है. और बेहतरीन नज़ारा है. शाम के तकरीबन 5:30-5:15 होने वाले हैं, सूरज डूबने वाला है. हम चाह रहे थे सनसेट का वीडियो बनाने, लेकिन जो है यहाँ पर पहाड़ आप देख सकते हैं इतना है चारों तरफ कि सन तो दिख ही नहीं रहा. सेट क्या करेंगे. तो ये वीडियो है आपका जो है साधुपुल का, दूसरे एरिया का. यहाँ आने के लिए बेसिकली मैं कैसे बताऊँ आपको, हाँ, यहाँ आने के लिए आपको चैल से तकरीबन 14 किलोमीटर है. अगर आप बस से आते हैं तो आप मात्र 50-60 रुपये में आप पहुँच जाएंगे, और अगर कार से आते हैं तो वो तकरीबन 1,000-1,500 रुपये आराम से, 1,500 तो आराम से ले लेगा. चप्पा के छई आती हुई लहरों से, जाती हुई लहरों से छप्पा की चाई. हम दोनों की फ्रेंडशिप जैसे चाय के अंदर चीनी ब्रो, पूरी कर दो विश लिस्ट तेरी, मैं हूँ तेरा जीनी ब्रो. तो बताओ कैसा लग रहा है? कैसा नदी के बीच में लाके पूछ रहे हो कैसा लग रहा है? ये क्या गजब सवाल पूछ रहे हो तुम भाई. हम लोग अभी फिलहाल जो है इंटू हंड्रेड हो रहा है नदी में. जो है हम लोग मून वॉक कर रहे हैं, और मून वॉक का आप मज़ा देख ही रहे हैं कि मज़ा ज़बरदस्त है.
तो कैसा लगा आपको यहाँ का ट्रिप, बताइए कुछ? ट्रिप तो बहुत अल्टीमेट है, मतलब क्या चैल पैलेस कैसा लगा? चैल पैलेस बहुत अल्टीमेट एक्सपीरियंस रहा, और मैं तो रिकमेंड करूँगा कि जब भी आइए तो चैल पैलेस में वन नाइट जरूर स्टे कीजिए, मतलब यू विल फील द रॉयल्टी ओवर देयर। हाँ ये बात तो है, और रॉयल्टी के साथ सबसे बड़ी बात है कि आपको हिस्ट्री का भी वो मज़ा मिलेगा। हाँ, जो आपको जो है 130 साल पुराने बेड पे जब आप सोइएगा तो मतलब मज़ा इंटू 100 क्या 200 हो जाएगा, मतलब मज़ा इंटू 130 हो जाएगा क्योंकि 130 साल पुराना है वो। सही सही बात। और सोनी का ढाबा, सोनी का ढाबा भी अल्टीमेट, खाना तो अल्टीमेट था सोनी के ढाबे का खाना। ₹200 में मतलब अनलिमिटेड खाना, और लास्ट में जो वो डिश वाला आइटम था। हाँ वो गुड़ रोटी, गुड़ रोटी नहीं था वो, गुड़ रोटी ही बना हुआ था लेकिन था बहुत टेस्टी। अंगूरी रोटी सुनाई दी, अंगूरी रोटी लेकिन बहुत अल्टीमेट था अनडाउटेड। तो यहाँ पहुँचने के लिए हम लोग को सिर्फ लाइटिंग थोड़ी जल गई है ना, कितना सुहाना मौसम हो रहा है अल्टीमेट। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पहुँचने के लिए हम लोग ने आपको बता ही दिया है कि क्या करना है आपको, बस यहाँ आइए नेचर ट्रिप में रुकिए, और वहाँ से आप ₹5 दे करके ₹7 दे करके यहाँ सीधा पहुँच जाइए। तो यहाँ का व्यूज़ आप देख ही चुके हैं, ज़बरदस्त व्यू है, अल्टीमेट व्यू है, मतलब कि कह सकते हैं कि मतलब बहुत मज़ा आया यहाँ पर। इनके पास भी बहुत सारे होटल्स बने हुए हैं एकदम जस्ट यहाँ पे लोकेशन ज़्यादा अच्छा है। हाँ यहाँ पर होटल लेना है तो यहाँ पर आपको होटल्स बने हुए हैं, आप ओयो से भी बुक कर सकते हो, और अगर ओयो नहीं है तो आप मतलब कि हिमाचल टूरिज्म कोई मिल जाएगा। हाँ। हिमाचल टूरिज्म का भी से भी ले सकते हैं हम लोग, MMT से ले सकते हैं। तो बेहतरीन है, मतलब ये लाइटिंग वगैरह हो लग चुकी है, और मैं जब वहाँ बैठा था तो मुझे लग रहा था कि तार क्यों लगे हुए, तो अब समझ में आ रहा है कि ये लाइटिंग की वजह से लगे हैं। तो वीडियो ज़बरदस्त, मतलब कि जगह ज़बरदस्त, माहौल ज़बरदस्त, पानी ज़बरदस्त, एवरीथिंग इज़ ज़बरदस्त, मज़ा तो ज़बरदस्त। तो अब जो है आपको जो है कुछ खास और दिखाना है, तो चलते हैं। एक दिल से निकलते हैं ये, एक दिल को पहुंचते हैं ये, एक दिल से निकलते हैं ये, एक दिल को पहुंचते हैं ये, आगे भूल भुलैया जाने खाते हैं या फूल, सैया भाव लो भैया हम रास्ता ना जाए। वेलकम टू माई टेंथ रूम, आइए अंदर आइए। अर्तुरुल गाजी के जो आपने नाम सुना है तो अर्तुरुल गाजी का ये एक तरह का खेमा है, आप देख सकते हैं ये हमारा टेंट रूम, पूरी तरह से इसकी दीवार हिलती हुई डोलती हुई दीवार है इसकी, और पीछे ये हमें वैनिटी मिरर दिया गया है, अब मुझे आदत हो गई है वैनिटी मिरर कहने की, लेकिन ये पूरा जो है पूरा टेंट है, छत भी टेंट की है, और इवन जो है खिड़की जो है वो भी जो है यहाँ पर टेंट का ही है। ये देखिए ये खिड़की भी पूरा टेंट का है, ये यहाँ पर हमें एक बेड दिया गया है, और नीचे जो फर्श है वो पूरी तरह से जो है वो है कारपेटेड है, और वॉशरूम भी जो है टेंट का है, मतलब टेंट का नहीं है, मतलब दरवाज़ा टेंट का है, मतलब आपको जो है अंदर जब गाना है तो अंदर गाना गाते रहना है, ठीक है, वरना कोई भी घुस जाएगा और आपका मतलब मामला ख़राब हो सकता है। तो आइए आपको दिखाते हैं एक चीज़ और, थोड़ा सा उधर होके। हाँ तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, आप बताइए कैसा लग रहा है आपको टेंट हाउस कमेंट बॉक्स में। ये टेंट हाउस का दरवाज़ा है, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप इस तरह से इसको लॉक कर दीजिए, बस जिस तरह से यहाँ के लोग, यहाँ का मौसम प्योर है, यहाँ के लोग भी बहुत प्योर है, तो आपके चोरी चमारी का कोई डर बिल्कुल नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है, और ये टेंट हाउस बिल्कुल चोटी पर है, आपको मैं दिखाऊंगा, बल्कि आपको आपने देख ही लिया होगा अब तक कि कितनी ऊंचाई पर ये टेंट हाउस है। विद दिस आई हिवान साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड नाइट, सायनारा। इसी तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज 360 फॉर यू। गुड बाय।